ये तुम रोहान को इंस्टा पे क्यों स्टॉक कर रहे हो? ऐसे ही मैं ये देख रहा था कि ये दानिया के काबिल है या नहीं। ये तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था जब अंकल एहसान ने दानिया और रोहान की शादी तय की थी। आपके सुन मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे लगता था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि रोहान और दानिया एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है। दानिया और मैं एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। So, are you getting jealous of रोहान? नहीं, मगर मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? खुद पे। दानिश, प्लीज यार, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। एंड वैसे भी आई एम श्योर कि दानिया को अब रोहान बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि सब मैंने अपना ट्रैक बदल लिया था और दानिया को उसके हाल पे छोड़ दिया था। She had no other option ना। लेकिन अब मैं अपने ट्रैक पे वापस आ गया हूँ। क्या मतलब? मैं दानिया से बात करूंगा। ये नेहा को क्या हो गया अचानक? अजीब फालतू मैसेजेस करने लगी है। इसको मैं सुनाऊंगा किसी दिन। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा है। पहले दानिया से बात करके देख लो तो ठीक है, वरना तुम्हें नेहा से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। और वैसे भी कॉम्पिटिशन जीतने के बाद रोहान इज नॉट गोइंग टू बैक आउट। नेहा, मैं